अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है पायलट सेफ फिर से। आज हम इनसे पूछेंगे कि पायलट बनने के क्या फ़ायदे हैं, मतलब ऐसा क्या है जो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है और एविएशन डिपार्टमेंट में है। तो आप थोड़ा सा गाइड कर लें हमें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को 10 फायदे बताऊंगा पायलट बनने के, कि इसके क्या फ़वाद है जो सिर्फ यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं है। नंबर 10, फ्री टिकट्स। बहुत से कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को 15 टिकट ईयरली बेस पे देते हैं, या फिर 12 टिकट, या फिर कुछ एयरलाइंस है जो आपको डिस्काउंट देते हैं, जिस तरह कतर एयरवेज़ या फिर एमिरेट्स एयरवेज़। अब कतर एयरवेज़ ऑफ सीज़न में अपने जो पायलट्स हैं उनको तकरीबन 90% ऑफ टिकट्स देते हैं, तो आप इजीली कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं विद यू एंड योर फैमिली, और आप जहाँ चाहें आप जा सकते हैं। आपको सिर्फ 10% पे करना होगा, या फिर कुछ एयरलाइंस जो अपने एम्प्लॉयज़ को तकरीबन 12-15 टिकट सालाना देते हैं और वो उसी टिकट को अवेल कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो इन टिकट्स को आप अवेल कर सकते हैं उसी कंपनी में। ऐसा नहीं है कि आप लेट्स सपोज PIA में हैं और आप चाह रहे कि आप सेरीन में कहीं और चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस कंपनी में हैं उसी कंपनी के फ्री टिकट्स आपको दिए जाते हैं। नंबर 9, शॉर्ट ट्रेनिंग। पायलट बनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल चाहिए। 3 साल में आप प्रॉपर पायलट बन जाते हैं कमर्शियल, जबकि दूसरी साइड आप किसी इंजीनियर को देख ले या फिर किसी डॉक्टर को देख ले, उनमें तकरीबन 10-8 साल तो लग जाते हैं प्रॉपर, जबकि पायलट्स 2-3 साल में ही अपने गोल को अचीव कर लेते हैं और वो अपनी फ्लाइंग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने सिर्फ PPL करना है तो वो 2 सालों में कम्प्लीट होगा, और अगर आपने CPL करना है तो वो मैक्सिमम 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 3 साल के बाद आपके पास लाइसेंस आ जाता है और आप एयरलाइन में इंडक्ट हो जाते हैं। नंबर 8, टेक्निकल जॉब। पायलट्स का जॉब थोड़ा सा टेक्निकल है, तो जो बंदा टेक्निकल जॉब को पसंद करता है उसके लिए ये परफेक्ट जॉब है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो टेक्निकल वर्क में तो आपके लिए ये बहुत परफेक्ट जॉब है और आप इंजॉय कर सकते हैं। पेपर वर्क इसमें बहुत कम है, ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें हैं। नंबर 7, नए लोगों से मिलना। एविएशन डिपार्टमेंट की खूबसूरती ये है कि आप नए लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। डेली आपका मिलना किसी न किसी नए बंदे से होता है। पुराने लोगों के साथ आप काम नहीं कर सकते, चाहे आपके साथ क्रू मेंबर्स हो चाहे आपके साथ पायलट्स हो, मोस्टली वो नए ही होते हैं एयरलाइन में, और वो आपकी इंट्रैक्शन उनसे काफ़ी अच्छी होती है और आप उनसे सीखते भी है। छठे नंबर पे फन जॉब और ब्यूटीफुल व्यूज़। आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ नज़र आएंगे दुनिया में। किसी भी तरह के व्यूज़ अगर आपको देखने हैं तो आप पायलट बन जाए। पायलट्स हर तरह के व्यूज़ देख सकते हैं और उनको मिलते हैं, ऐसे व्यूज़ जो दुनिया में आपको कहीं और किसी दूसरे जॉब में नहीं मिल सकते। आपको सनसेट देखने हो, आपको सनराइज़ देखना, आपको क्लाउड्स देखने, आपको थंडरस्टॉर्म देखना हो, आपको स्नो देखना हो, कुछ भी आपको देखना हो तो आप इजीली देख सकते हैं और हर दिन आप उसको देख सकते हैं। ये दूसरे जॉब्स की तरह नहीं कि सुबह ऑफिस है और ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और बोरिंग टाइप जॉब है। ये बोरिंग जॉब नहीं है, ये बड़ी फन जॉब है और इसमें आप इंजॉय करते हैं। इट्स अ फन जॉब, आप कभी भी बोर नहीं होते फ्लाइंग करते वक्त, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलता है देखने को। 5वें नंबर पे रिस्पेक्टेड जॉब। ये काफ़ी इज्जतदार शोभा है, इसमें लोग आपकी कदर करते हैं। आप अगर उनको बताते हैं कि मैं एविएशन डिपार्टमेंट से हूँ या मैं पायलट हूँ तो लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आज तक पायलट्स का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इमेज ख़राब नहीं हुआ। क्रैशेज और इंसिडेंट्स के अलावा वो तो एक नेचुरल डिज़ास्टर है, आ जाता है वो तो आपके क्रैशेज कार में भी होती है, दूसरे टेक्निकल जॉब्स में भी आपके इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स आते रहते हैं, तो आप उसको साइड पे करके ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है, लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों की दुआएं लेते हैं डेली। 4वें नंबर पे अनकॉमन जॉब। अगर आप किसी को बताते कि मैं पायलट हूँ, आप उसकी अटेंशन को हासिल कर लेते हैं। दूसरे जॉब्स में जिस तरह आप कहें कि मैं डॉक्टर हूँ या आप उसको कहें कि मैं इंजीनियर हूँ,
आपको इंजीनियर और डॉक्टर बहुत मिलेंगे, या फिर आपको दूसरे टेक्निकल वर्कर्स बहुत मिलेंगे, टीचर्स बहुत मिलेंगे, आपको दूसरे पुलिस ऑफिसर्स या आपको सोल्जर्स बहुत मिलेंगे, बट पायलट्स बहुत कम हैं। इसलिए बहुत सारे मीम्स भी बने पायलट्स पे, तो वो जल्दी रिवील करता है कि मैं पायलट हूँ। तीसरे नंबर पे सैलरी, पायलट्स की बहुत अच्छी सैलरीज होती है बनिस्बत दूसरे प्रोफेशंस की। 4 से 6 लाख रुपए पर मंथ पायलट्स जो फर्स्ट अफसर है उनको मिलती है। कैप्टन्स को 10-12 लाख रुपए से ज़्यादा मिलती है। अगर आप कैप्टन किसी अच्छे एयरलाइन में, तो आपकी सैलरी 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा होती है। तो पैसे इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप लेओवर पे चले जाते हैं किसी दूसरे कंट्री, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते हैं वहाँ पे रुकने के। ट्रैवलिंग आपकी फ्री है और आपकी अकोमोडेशन फ्री है। दूसरे नंबर पे ट्रेवल ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। अगर आप पायलट है तो आपके लिए पूरी दुनिया घूमना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। आप किसी एयरलाइन में, उस एयरलाइन के डेस्टिनेशंस बहुत है, जिस तरह एमिरेट्स के 159 डेस्टिनेशंस है, और आप उन 159 डेस्टिनेशंस पे फ्लाई करते हैं, तो आप हर कंट्री जा सकते हैं, हर कंट्री में फिर हर सिटी जा सकते हैं। उस एयरलाइन के ऑपरेशन होते हैं, आप वहीं पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपना स्टे भी कर सकते हैं। और वहाँ पे स्टे करने के बाद समटाइम्स ये होता है कि आप 2-3 दिन तक भी वहाँ पे स्टे करते हैं और आप इजीली घूम सकते हैं। आपका अकोमोडेशन तो वैसे भी फ्री होता है, तो आप वहाँ पे फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है आपको। और अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, पहले नंबर पे है फ्री टाइम। फ्री टाइम पायलट्स के पास बहुत होता है। पाकिस्तानी एविएशन लॉ में आप 70 आवर्स से ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते। पहले 90 आवर्स थे, तो आप एक महीने में 70 आवर्स से ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते। इवन बहुत से पायलट्स मैंने देखे हुए जिनके 365 दिनों में 200 से ज़्यादा दिन तो उनकी ऑफ होती है। तो इसमें आपको फ्री टाइम बहुत मिलता है। आप व्लॉगिंग कर सकते हैं फ्री टाइम में, आप फैमिली को टाइम दे सकते हैं, आप वेकेशंस पे जा सकते हैं फ्री टाइम में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।